लगा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रिया आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवी श्लोक ब्लॉग में। तो बताइए आप लोग कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। अभी हम सब रेडी हैं और जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि श्लोक का बर्थडे है तो फिर मंदिर जाना तो बनता है। तो वहीं चल रहे हैं और उसको दर्शन करा देते हैं, फिर शाम को केक कटेगा। तो आप लोग जरूर लास्ट तक बने रहिए वीडियो में। हाँ जी, हाँ बर्थडे बॉय, बर्थडे बॉय, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू, थैंक यू। किसी कौन देगा? मैं दे दो, दे दो। आप कुछ बोलना चाहेंगी? आपके ब्रदर का बर्थडे है, ब्रदर को हैप्पी बर्थडे बोलिए, हैंड शेक करके बोलो। थैंक यू दीदी, किसी कर दो दीदी को, किसी कर दो, करो करो। नहीं करते। और आप बताइए? मैं तो बहुत खुश हूँ। तुम तो हमेशा खुश ही रहते हो। मैं रीजन हो या ना हो, मैं बहुत खुश रहती हूँ हमेशा। मुझे छोटी छोटी खुशियों से बहुत बड़ी खुशियाँ मिलती हैं। अच्छा ठीक। और सब हम लोग कहाँ की तैयारी हो रही है? जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि हमारे बेटे का बर्थडे है तो मंदिर जाना तो बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए फिर आप लोगों को बाकी हम लोग मंदिर में मिलेंगे। मंदिर में मिलते हैं और दर्शन करते हैं, और आप लोग हमारे बेटे को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। मुझे तो कभी पता ही नहीं, मैंने कभी नोटिस नहीं किया कि श्लोक आंखें बंद करके पूजा करता है। ये तो आज सामने कैमरा लगा है तो देखिए कैसे आंख बंद करके वो पूजा कर रहा है। और जब श्लोक लड्डू मांग रहा था तो मुझे लगा खुद खाने के लिए तो नहीं मांग रहा है, लेकिन बट उसने कहा कि भगवान जी को चढ़ाना है तो हाथ में लिया। फिर देखिए कैसे उसका रैपर हटा कर भगवान जी के पास रख रहा है वो। मुझे लगा कि कहीं रैपर हटा कर वो खुद ना खाने लगे, बट उसने ऐसा किया नहीं। तो यहाँ पर इनके डैडी बच्चों को सैंडल वगैरह पहना रहे हैं, और उसके बाद ये देखिए पार्क। देखो। नहीं हमें नहीं देखोगे? पूजा करने वाले में हमारे पति देव को भूख लग गई है। मैंने कहा मंदिर में बैठते हैं 10-5 मिनट यही पार्क में, लेकिन कह रहे हैं मुझे भूख लगी है। वैसे टाइम भी हो गया है, 10 बज गए हैं। कितना भी सुबह करते हैं बट निकल ही नहीं पाते हैं सुबह सुबह। बच्चे हैं, फिर ये लोग 8 बजे उठते हैं, फिर इन लोगों को रेडी करना, नहाना धोना, मतलब बहुत सारे काम हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग 9 बजे आए हैं और यहाँ पर 10 बज गया है। यहाँ पर देखिए घर आते ही बस प्रसाद वो लड्डू खाया जा रहा है। मैं क्या? कुछ नहीं, दो और लाओ। हाँ और दो और लाए, बताइए। एक साथ ही 2 लड्डू 3 लड्डू तो खाई जाएंगे बैठकर। और यहाँ पर देखिए क्या खा रहे हो तुम लोग? लड्डू? लड्डू नहीं, हम नहीं खाएंगे, हम खा लिए। खा लो, खा लो, काट लिए। ये कुछ भी खाता है अपनी मम्मा को जरूर खिलाता है ना? आज बाबू का हैप्पी बर्थडे है। अच्छा बाबू कैसे केक काटेगा आज? कच कच काटेगा, मम्मा खिलाएगा, अब उसे खिलाएगा। अच्छा बाबा तुम्हारे हाथ में लड्डू लगा है, तुमसे बात करना बेकार है इस टाइम। और ये चौकी हमने बाहर निकाल दिया है। हंस क्यों रहे हैं ऐसे? ऐसा नहीं तो क्या करें? अरे खाएंगे। बाप जैसे लोग पनीर काटे बनाए तो फिर ऐसी बात कर रहे हैं जैसे लगता है हम आपको कभी बना के खिलाते ही नहीं है। हाँ ये कहोगे थोड़ा सा ज्यादा पनीर बनाना है, वो भी हम बना रहे हैं। तो अगर खराब बनेगा तो मेरे लिए एक जींस और एक टी शर्ट
गिफ्ट करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक ठीक बिल्कुल कर देंगे, इतना हम मेरे ऊपर भरोसा है मुझे। और अगर बढ़िया बना तब? बढ़िया बना तो मैं आपके लिए एक सैंडल लेते आऊंगा, 150 रुपए वाली। 150 रुपया देगा? आपसे लेने की जरूरत नहीं है, हमें जो चाहिए रहता है ना बस आपका कार्ड लेते हैं, तुरंत शॉपिंग करते हैं, समझ गए? आपसे मांगने की जरूरत ही नहीं है। 150 रुपया देगा? 150 का या फिर 1500 का? ये लीजिए पकड़े, इसको खाना नहीं है काटना है, ठीक है? इतना हम कैसे काटेंगे, पागल हो गए हो? बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए तो बहुत खुशी है कि हाँ इतने सारे पब्लिक आए। और इसको काटने का जरूरत है, सीधे सीधे ऐसे डाल देने का, बड़ा काट के तो पेट में जाएगा, सुबह से सारा काम हम कर रहे हैं, पनीर बनाना है, खीर बनाना है और मतलब पुलाव बनाना है, बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन ये कुछ नहीं कर रहे हैं, बस बैठे हैं और बच्चे सोए हैं। फिर भी चलो मत काटो, हम काट लेंगे बैठकर। वैसे भी आपको हम दे नहीं सकते क्योंकि ये एक बार मैंगो काट रहे थे तब इनका हाथ कट गया था, तो बाकी ये क्या काट पाएंगे। तो हम चल रहे हैं और इसको काटेंगे और बनाते हैं खीर। तीन लोग बन लगे हुए हैं खाना बनाने में, अगर खाना बिगड़ा 500-500 रुपए दंड लगेंगे सब पे। ठीक है भाव जी, ये पनीर है, पनीर बन रहा है, यहाँ पर मटर है और यहाँ खीर बनने की तैयारी हो रही है। ओके, और यहाँ पर हम बनने की मुँह बनने की तैयारी हो रही है। अब एकदम मुँह में घुसा देंगे तो क्या होगा। और ये आलसी पति कुछ काम नहीं करते हैं, चुपचाप मोबाइल लेकर यहाँ पर बैठे हैं, बस कैमरा लेकर आ जाते हैं। और सारा डेकोरेशन मैंने किया है, ये भाग गए थे बाहर। आपने क्यों नहीं हेल्प की डेकोरेशन में और बोल रहे हैं कि थक गया? आधा बैलून में फुलाया। थोड़ा सा काम करके चले गए हैं, ये सब बच्चे फुलाए हैं और ये सब मैंने किया है। श्लोक को मेरे साथ डांस करना उसको बहुत अच्छा लगता है, तो मैं जब भी काम करने जा रही थी मुझे बार बार पकड़ कर लेकर आ जा रहा था, क्योंकि सब बच्चे आ गए थे और उन्होंने गाना लगा दिया था, फिर गाना बजते ही उसको डांस करना रहता है। तो अकेले रहता है तो करता है, अगर पब्लिक है तो फिर वो मुझे ही पकड़ेगा कि मम्मा मुझे डांस करवाओ। ये देखिए ये हो रहा है मेरे पति का मेकअप। जिसके भी दाढ़ी हो वो इतने हिस्से पे क्रीम लगा सकता है, इतना बच जाएगा आपका क्रीम, इतना बचेगा क्रीम आपका, हर साल बचेगा, हर साल में एकदम एक स्मैकर तो बच ही जाएगा। वैसे आपके जैसे पब्लिक क्रीम नहीं लगाती है। लगाती है रे, हमारी गलत फहमी है ऐसा। हमने तो अभी तक नहीं देखा है लड़कों को यू मेकअप करते हो जैसे आप करते हैं। और मैं रेडी हो गई हूँ और ये अभी तक देखे रेडी नहीं हुए हैं, केक काटने का टाइम आ गया, पब्लिक इंतजार कर रही है। रेडी कर। और यहाँ का एक पिंक वाला बैलून पता नहीं कैसे फूट गया, तो फिर मैं गई और झट से एक और फुलाकर लाकर लगा दिए। आप देखिए परफेक्ट अच्छा लग रहा है। सॉरी गाइस, वीडियो की लेंथ काफी लंबी हो जा रही थी, इसीलिए मैंने केक कटिंग का और गिफ्ट ओपनिंग का बाकी जो वीडियो है नेक्स्ट वीडियो में आएगा। प्लीज़ आप लोग बर्थडे का नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।